उधर उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद सरकार अब एक्टिव हो गई है। फिरोजाबाद से कानपुर तक स्वास्थ्य महकमा मुस्तैदी से काम में जुट गया है। यूपी के अलावा एमपी और गुजरात में भी डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी चीजों को खुले में न रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहनकर शरीर को ढक कर रखें। माननीय नगर आयुक्त और माननीय हॉस्पिटलों में अपने पेशेंट को लेके बाथरूम भटका, कई जगह बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कई जगह चार्जेस ज़्यादा हैं, जगह जगह भटकना पड़ रहा है। और साथ ही साथ चार्जेस जो होते हैं हॉस्पिटल्स के, वो इतने ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, डॉक्टर क्या दवाई लगाता है कोई नॉलेज में नहीं रहता। एमपी के जबलपुर में डेंगू मरीजों के तीमारदार बेहाल है, प्लेटलेट्स का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। मरीजों के परिजनों का दावा है कि प्लेटलेट्स के लिए जरूरी एसडीपी किट की भारी किल्लत है, लिहाजा इनका ब्लैक में इंतजाम करना जेब पर भारी पड़ रहा है। भोपाल से लेकर जबलपुर तक डेंगू के एकाएक बढ़ते मामलों ने हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर बना दिया है। पूरे जबलपुर संभाग में जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो प्रॉपर जबलपुर में ज्यादा है, जबलपुर में संख्या अधिक है। इसके लिए जो सबसे दिक्कत जा रही है मरीजों को वो है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के लिए जो WHO के नॉर्म्स हैं, सारसन ने निर्देश जारी कर दिए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सभी प्राइवेट अस्पताल और ब्लड बैंकों को परसों निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में फिरोजाबाद के बाद वाराणसी में भी डेंगू का ग्राफ बेतहाशा बढ़ रहा है। वाराणसी में इस समय डेंगू का कहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि 80 से भी अधिक डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं लगभग 700 मरीज डेंगू सस्पेक्टेड हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस समय हम वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय में हैं और यहाँ का डेंगू वार्ड देखिए कि कोई भी बेड जो है वो खाली नहीं है। अब तक 4 मरीजों की डेंगू से जान भी जा चुकी है, पर स्वास्थ्य महकमा यह दावा कर रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए जो पर्याप्त संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर इस समय अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी का चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, हर तरफ वायरल और डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ डेंगू और वायरल फीवर से 40 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। कानपुर में भी बच्चों में एकाएक बुखार की शिकायत बढ़ गई है। 24 बच्चे कल भर्ती हुए थे और आपको बताऊं 120 बेड पे इस समय 189 बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती हैं। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। फिरोजाबाद, प्रयागराज और वाराणसी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बच्चों में बुखार के मामले बढ़ने के बाद अब कानपुर में बुखार के केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते केस के मद्देनजर यूपी का स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन।